يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مباضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين इन आयात से पहले कुराना करीम ने कई जो मजराइम की सज़ा बयान फरमाई है जिसमें डाके की सज़ा भी है बगावत की सज़ा भी है और चोरी के हाथ काटने की सज़ा भी है उनका बयान फरमाया गया था और यह हदूद ऐसी हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है किसी शख्स को इसमें तब्दीली करने का हक हासिल नहीं और अल्लाह तबारक व वाले ने सिर्फ यह हदूद नाजिल ही नहीं फरमाई और रसूल करीम सल्लाम ने इनको सिर्फ पहुँचाया ही नहीं बल्कि इन पर इंसाफ के साथ अमल का मुजाहरा भी फरमाया यहाँ तक के एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बड़े खानदान की औरत ने चोरी कर ली थी तो उसका हाथ कटना था लेकिन वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती थी तो लोगों ने चाहा कि किसी तरह उसकी सजा माफ करा दी जाए और ये सोचा कि सबसे ज्यादा मौसर तरीका ये होगा कि हजरत उसामा रज के जरिए सिफारिश कराई जाए जो हजरत रसूल करीम सल्लाम के बहुत लाडलिब मतम थे तो उनसे सिफारिश कराने के लिए लोगों ने कहा कि उनसे सिफारिश कराई जाए ताकि वो हजूर के सामने सिफारिश करेंगे सल्लाह व तो आप उनकी बात मान लेंगे और यह सजा इनसे टल जाएगी लेकिन जब हजरत उसामा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो और उन्होंने अपनी सिफारिश पेश की तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चेहरे पर चेहरे मुबारक पर तगैर आया और साथ ही आपने फरमाया कि उसामा क्या तुम अल्लाह की हदूद में से एक हद में सिफ़ारिश करते हो और फिर फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं जरूर उसके हाथ काटता तो ये जो इरशाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक उसूल म... कायम करने के लिए कि शरीयत के अहकाम में छोटे बड़े खानदान का कोई तस्वुर नहीं है कि ये बड़े खानदान का तस्वुर है लिहाजा इसको माफ कर दो सजा से और ये छोटे ख़ानदान का इससे इसे, इसे सजा दे दो इस्लाम में इसका तस्वुर नहीं है कानून की निगाह में सब बराबर ये एक अहम असूल था जो रसूल करीम सल्लाम ने क़ायम फरमाया दूसरी तरफ यहूदियों के यहाँ यह सिलसिला था और उसका यह बात आपने खुद आ, उस वक्त भी बयान फरमाई जब यह फरमाया था कि हज़रत फातमा भी अगर चोरी करती तो मैं उनका हाथ काट लेता तो ये उस वक्त भी फरमाया कि पिछली उम्मतें इसलिए बर्बाद हुईं कि जब उनमें कोई शरीफ आदमी यानी शरीफ समुरात बलंद ख़ानदान का आदमी माल दौलत के लिहाज से ज़्यादा खुशहाल आदमी अगर चोरी करता तो उसके चोरी करता या कोई किसी जुर्म का इरतक करता तो उसके लिए बहाने ढूंढ लिए जाते थे और अगर कोई मामूली आदमी किसी जुर्म का इतकब करता तो उसको पकड़ दिया जाता तो ये सूरत हाल यहूदियों के हाथ चलती आई थी कि बड़े बड़े जराइम की सजाएं तो सख्त रखी हुई थी तो रात में मौजूद थी लेकिन जब उन पर अमल करने का वक्त आता था, था तो उस वक्त में अक्सर वेशतर ये लोग कोई ना कोई ताबील करके कोई बहाना करके बड़े लोगों से उसको मौकूफ़ करा देते थे उसी कस्म के कुछ वाक़ात रसूल करीम अलैहि वसल्लम के आयद मुबारक में पेश आए जिनके पस मंजर में ये आयतें नाजिल हुई हैं जो मैं आगे आगे जो मैंने अभी पढ़ी है और जिसका तर्जुमा आपके खदमत में पेश करूँगा और इसका रब्त माक़बल से यही है कि सिलसिला चल रहा है हदूद का और जराम की सजाओं का तो उसमें जो यहूदियों की बेदनवानियाँ थीं कि वो बड़े आदमी के सजा माफ़ करा देते या उसको तब्दीली कर देते बाद उसकी वजह से कुछ तौरात में भी तहरीफ करनी पड़े तो कर लेते और मामूली आदमी हो तो उसके बारे में कोई मसला नहीं था तो मैं पहले इस आयात का तर्जमा पेश करता हूँ और बल्कि तर्जमे से पहले आयात का तर्जमा से पहले उन थोड़े से वाकत का मैं जिक्र कर, करता हूँ जिनकी पस मंजर में ही आयतना दिल वाक़ एक वाक तो इसमें यह था कि यहूदियों के दो कबीले मदीना मनवरा में आबाद थे एक बनु कैजा कहलाता था एक बनु नज़ीर कहलाता था अगरचे ये दोनों यहूदी थे लेकिन इनके दरमियान आपस में जंगे भी चलती रहती थी और जंगों में बनु कैजा जो है ये जरा कमजोर कबीला समझा जाता था और बनु नजीर जो है वो ज्यादा ताकतवर समझा जाता था तो इन जंगों के नतीजे में जब बनु नजीर गालिब आए तो उन्होंने एक अजीब किस्म का फार्मूला बनु कुरैजा के से तय करा लिया वो ये तय करा लिया कि अगर कुरैज़ा का कोई आदमी बनु नजीर को कत्ल करे तो उसमें कहसास नहीं होगा यानी अगर कोई बनु कुरैजा का आदमी बनु नजीर को कत्ल कर दे तो कहसास नहीं होगा खूब बहा होगा यानी दियत होगी गोया बनु नजीर के किसी आदमी को कसासन कत्ल करने का कोई रास्ता नहीं और दूसरी तरफ अगर बनु कुरैजा का कोई आदमी बनु नज़ीर वाला कत्ल कर दे तो अव्वल तो कैसास है और अगर कहसास किसी वजह से न लिया जा सके यानी कानूनन मतलब ये कि कत्ल अम नहीं था शिव आम थी अम शिव आम था या कत्ल खता था मिसाल के तौर पर तो उस सूरत में उसको दियत दी जाएगी लेकिन दियत दगनी होगी जितनी बनु नजीर के आदमी को कत्ल करने की दीयत है वो उतनी कसम की दियत उससे दुगनी होगी तो ये कसम का एक जालिमाना फैसला करा लिया था इन्होंने बनु कुरैजा से अब बनु कुरैजा ने दबकर यह फैसला कबूल तो कर लिया था लेकिन जाहिर है कि उस पर उनको जाहिर है यानी उससे उसे नागवार था कि ये अगर फैसला हमारे ऊपर इस तरह फैसला किया जाएगा तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा इसी दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमुस हो गए मदीना मरवरा तशीफ ले आए तो अब उस वक्त इनके दिल में ख्याल ये पैदा हुआ बनु कजा के दिल में ख्याल ये पैदा हुआ कि हजरत रसूल करीम सल्लाम जो हकाम बयान परमाते हैं लोगों के सामने वो तौरात के सख्त अहकाम के मुकाबले में डरम मालूम होते हैं तौरात में बहुत सख्ती थी आहकाम में खासतौर से तहारत के बाब में और मुख्तलिहकाम के तहत तो उस उनको चाहिए बरुक वजा के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है कि रसूल करीम सल्ला व्ल् के पास अगर जाकर हम पूछें तो वो हमारे लिए कोई नरमी का रास्ता तजवीज़ फरमा दें तो बनु कैजा ने बनो नज़ीर से कहा कि भाई ये तुमने हमारे ऊपर ालिमाना कानून मुसल्लत कर रखा है ये बड़ी नासाफ़ी है इसको बदलना चाहिए बनो नज़ीर ने काम नहीं बदलेंगे तो बनो क्जा ने तजवीज़ पेश की कि अच्छा ऐसा करो कि कुछ लोग और भी थे यहूदी उन्होंने आपस के आपस के तनाजे को ख़त्म करने के लिए तजवीज़ पेश की कि चलो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते हैं ईमान नहीं लाए थे ये लोग लेकिन कहा कि रसूल करीम सल्लम चूंकि उनके साथ हमने एक मादा किया है अमन का माहा तो उन्हीं से जाकर इस मसले को हल कराया तो बनु नजीर देखने में तो राजी हो गए इस बात पर कि चलो रसूल करीम वसल्लम वादा कर लेकिन एक तरफ तो यह किया कि चलो हम यह फैसला रसूल करीम वसल्लम से करा लेंगे दूसरी तरफ कुछ एक टीम तैयार की अपने लोगों की और वो ऐसे लोगों की थी कि जो मुनाफिक थे जुबान से कहते थे कि मान ले आए अंदर से वो का यहूदी थे काफिर थे तो उनसे कहा कि आप जाके ज़रा मालूम करो रसूल वसल्लम से कि अगर ये लोग आपके पास ये फैसला लेकर आए तो आप उनके हक में करोगे या कर तो अगर वो वो चुपके से जाके पूछ लेना पहले अगर वो कहें कि हाँ बनू नजीर बरहक है हम बरू नज़ीर से जो उसकी पाबंदी कराएंगे तब तो उनकी बात सुन लेना और मान लेंगे हम यहां पर आकर के भई रसूल करीम सब के फैसले को हम मानते हैं और अगर वो ये कहें कि नहीं ये फैसला गलत है ये वादा गलत है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे लिहाजा जा ये सब आप सुन गिन लेकर हमारे पास आ जाना तो अब हम उसके बाद फैसला करेंगे कि फैसला रसूल करीम सोल्ला वसलम करान है या नहीं एक तो ये वाक़ है रसूल करीम सल्लासम को अल्लाह तला ने वजह सारी इनके साजिशों का पता दे दिया उसका जिक्र यहां पर इन आयत में आ रहा है दूसरा वाक्य ये पेश आया कि जिस तरह इस्लाम में कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना का अरतक कर ले तो उसकी सजा संसारी है जिसको रजम कहा जाता है और यह सजा तौरात में भी है तौरात में भी यह मजकूर है, है कि जो जिना करे उसको संसार किया जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतद ये हकुम जारी भी फरमाया था लेकिन यहूदियों क्या तो ये चीज मुसलम चली आती थी अब हुआ यह कि एक मर्द औरत ने बाहमी रजामंदी से जिना का इरतकब कर लिया यहूदियों में से थे वो बड़े खानदान के लोग तो उन्होंने ये अपने अपनेमा से जब पूछा तो पता चला कि भाई तोरात्मे तो संसार होने करने का हुक्म है तो जिसको संसार किया जाना था उसने ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं उसके घर वालों ने कहा कि हम रसूल करीम वसल्लम से जाकर क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जैसे तोरात में बाद और आह सख्त हैं तो रसूल करीम सब में आकर नरमी पैदा की है तो इसमें भी कुछ नरमी हो जाएगी तो वो जब लेकर आए रसूल करीम अलैहि वसल्लम के पास फैसला तो हजूर ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हुक्म है तुम्हारे तोरात में उसने कहा जी हम तो ऐसा करते हैं कि जो कोई शख्स ऐसा इतक करता है तो हम उसको गधे पर सवार करके उसका मुंह काला कर देते हैं सारे में घुमाते कतल नहीं करते हैं। तो रसूल करीम सरे वही बताया गया और बाद रिवायत में आता है कि उसी वक्त आप पर रजम का हुक्म नाज़िल किया गया तो आपने फरमाया तुम ये सही नहीं कह रहे ये तुमने गलत कहा है तौरात के अंदर भी हुक्म रजम का है अल्लाह ताला ने रसूल करीम वसल्लम के कलब मुबारक पर यह वही भी फरमाई कि इनसे कहो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा आलिम है अब्दुल्लाह इब्न सूर्या उसको बुला कर लाओ उससे पूछेंगे तो अब्दुल्ला सूरिया वो कहीं और रहता था उसको बुलाया गया और उससे रसूल करीम वसल्लम ने पूछा के क्या हुक्म है तोरात में तो उन्होंने कहा कि जी रजम का हुक्म है और बाकी बात तुम्हें तो आता है कि वो तोरात खोल कर बैठा हुआ था और तोरात पढ़ रहा था और एक आयत के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ था और क़रीम रसोल करीम्लायक तुम्हें तो हाथ हटा के पढ़ोगे ये नीचे क्या है तो उसमें वो आयत रजम थी वो निबोआ थे जिसमें रजुम का संसार करने का था। फिर बिलाखिर नबी करीम ने उनको रजुम किया और ये सूरत हाल के कानून में सब बराबर है उसकी आपने वजाहत करवा दी इस पस मंजर के साथ इन आयतों को का तर्जुमा पड़ी है ए पैगम्बर जो लोग कुफर में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं वो तुम्हें गम में मुबतला न करे। ला कर लजी नहीं यु सारफर यू सारून के माना है तेजी दिखाना जो लोग कुफर में तेजी दिखा रहे हैं वो आपको गम में मुबतला न करे। यानी एक तो वो लोग हैं जिन्होंने जबान से तो कह दिया है कि हम ईमान ले आए हैं मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए यो मुनाफिक और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने खुले बंदों यहूदियत का दिन इख्तियार कर लिया है ये लोग झूठी बातें कान लगा लगा कर सुनने वाले हैं यहाँ झूठी बातें सुनने के माना यह है कि वो जो बनू नजीर ने चुपके चुपके उन लोगों को आमादा किया था कि वो शुरू से जाके जरा इंदिया ले कि वो क्या फैसला करेंगे तो ये लोग झूठी बातें कान लगा लगा कर सुनने वाले हैं और तुम्हारी बातें उन लोगों की खातिर सुनते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आए ये वो लोग हैं ना जिन्होंने बरु नजीर जो नहीं आए और भेजा था इन मुनाफिकीन को तो ये उन लोगों की खातिर बातें सुनते हैं आपकी आपकी बातें सुनते हैं उन लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास नहीं आए जो अल्लाह की किताब के अल्फाज का मौका महल तय हो जाने के बाद भी उनमें तहरीफ करते करीबादी कहते हैं कि अगर तुम्हें यह हुक्म दिया जाए तो उसको कबूल कर लेना और अगर यह हुक्म ना दिया जाए तो बचकर रहना ये वही बात है जो बनू नज़ीर ने अपने भेजे हुए मुनाफिकीन से कही थी कि अगर रसूल करीम वसल्लम बात हमारी जैसी हमारी हतईद में कोई कहते हैं तो वैसे सुन लेना और सुनकर हमें पहुंचा देना वरना फिर बच के रहना भाई फिर वो बात ना कर मानना तो और जिस शख्स को अल्लाह फितने में डालने का इरादा कर ले तो उसे अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारा कोई जोर हरगिज नहीं चल सकता फितना था फलन तम लेकर जिसको अल्लाह ताला फितने में डालने का ले तो कोई उसका उस पर काबू नहीं चल सकता इसलिए कि जब वो अपनी दर्मी और इनाद की वजह से ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके सीनों पर मोहर लग जाती और उनके दिलों पर ताले डाल दिए जाते हैं ताले पड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर छोड़ देता है और फिर उनको वापस लाने के लिए हिदायत के लिए कोई इकदाम नहीं फरमाता ये वो लोग हैं कि इनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों को पाक करने का इरादा ही नहीं किया अल्लाह ताला अगर दिलों को पाक करने का इरादा फरमा लेते तो इनकी हालत दुरुस्त हो जाती लेकिन अल्लाह किसी पर जबरदस्ती नहीं ठोसते कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना ले जबरदस्ती की को ईमान के ऊपर हैं। जब वो खुद नहीं चाहते तो फिर ने भी इरादा नहीं किया इनके दिलों को पाग। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उन्हीं के लिए आखिरत में जबरदस्त आजाद है ये कान लगा लगा कर झूठी बातें सुनने वाले अजीब भर भर कर हराम खाने वाले सब माओ निक अकाल ये रिश्वतें ने लेकर पेट भरते हैं और कान लगा लगा कर छोटी बातें सुनते हैं इन जाऊ का अगर ये आपके पास आ जाए पुम बुम अजान हूं तो आपको इख्तियार है कि चाहे तो फैसला करें और चाहे ऐराज कर ले फरमाएं के हम नहीं भाई तुम्हारे मामला तो पढ़ते नहीं तुम जानो तुम्हारा काम है तुम जैसे हम कोई फैसला नहीं करते आपको इख्तियार है चाहे फैसला करें चाहे इनकार कर इन और अगर आप उनका फैसला ना करें एराज करें फलु का शैया तो आप इसमान रखें कि ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे कि उनको जो शिकवा होगा कि आपने हमारा फैसला नहीं किया उस पर यह कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा सके वह इन हकम था और अगर फैसला करने का इरादा कर ले आप तो फिर उनके दरमियान इंसाफ से फैसला इन्नल्लाह बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और ये कैसे तुमसे फैसला लेना चाहते हैं जबकि उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का फैसला दर्ज है फिर इसके बाद फैसले से मुंह भी फेर लेते हैं तुम्हे फैसले मुंह भी फेर लेते हैं व माँ उलाई कबिल और दरअसल ये ईमान वाले नहीं है अब यहां दरअसल एक बात काबिल है कि इस जगह तो रसूल करीम कि अगर ये बात तुम्हारे पास फैसला लेकर आए तो तुम्हें है चाहे इनका फैसला करो चाहे ना करो दोनों बातों में से जो चाहे आप कर सकते हैं लेकिन आगे इसी सिलसिले आयात के अंदर आयत नंबर अड़तालीस में यह फरमाया इनके दरमियान फैसला करो और अल्लाह ने जो वही आपके ऊपर उतारी है और जो हकाम आप पर नाजिल फरमाए हैं उनके मुताबिक फैसला करो और इनके ख्वाहिशात की पैरवी ना करो तो बजाहिर इन दोनों में एक फर्क नजर आ रहा है कि शुरू में तो आपने फरमाया कि आप चाहें तो फैसला करें चाहे ना करें और इनकार कर दे और आगे जाकर बिल्कुल जज्म के साथ फरमाया कि आप इनके दरमियान फैसला करें अब यहां हकीकत समझने की बात यह है कि मदीना मुनबरा में कुछ लोग तो वो थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मादा करके ज़िम्मी बन गए थे यानी वो अगरचे गैर मुस्लिम थे मगर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मादा कर लिया था कि हम आपके मातहत बनकर रहेंगे और आपके आकाम के पाबंद भी होंगे ये लोग ज़िम्मी कह रहे और कुछ वो लोग थे कि जो अभी तक जिन्होंने ये अकद जिम्मा यानी ये मददा नहीं रसूल करीम सलम से नहीं किया हुआ था ये बनु नजीर जिनका मैं अभी जिक्र किया ये उन लोगों में दाखिल थे के जो अभी तक इनके अकद जिम्मा नहीं हुए थे और ये रसूल करीम सोलह के मुखालिफिन में शुभार और एक वो लोग थे जिनको इन्होंने उकसाया के जाकर रसूल करीम सोलह से बात करें और उनसे पूछें कि अगर आपसे फैसला कराया गया तो क्या आप फैसला करेंगे वो लोग मुनाफिक थे यानी अगरचे अंदर से वो काफिर थे लेकिन अपने आपको इसमें सलमान जाहिर किया हुआ था लिहाजा उनके साथ एक अकद था तो जो पहली जगह है जहाँ आप फरमाया कि चाहे आप फैसला करें चाहे न करें ये उन काफिरों के बारे में है कि जिनके साथ आपका कोई मुआवजा नहीं है तो फिर आप उनके दरमियान फैसला करने के पाबंद भी नहीं है चाहे तो करे चाहे न करें और दूसरे जहां ये फरमाया कि आप जरूर फैसला करें अल्लाह के कला के मुताबिक तो इस वो हैं जिनके साथ जिम्मा हो गया जिम्मे बन गए यानी एक मुसलमान रियासत के गैर मुस्लिम शहरी बन गए जो अपने दुनिया हकूक के अंदर तो बराबर होते हैं मुसलमानों के साथ जैसे हुक् मुसलमानों के वैसे गैर मुस्लिमों के भी लेकिन इतना फर्क होता है कि वो अपने जो मुनाकहात और इबादात का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो रसूल करीम वसल्लम से हटकर अपने तौर पर करते रहे कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो उनका गैर मुस्लिम होकर रहना इस्लामी रियासत ने कबूल किया है इस वास्ते इस्लामी रियासत उनको तहफ़ फराम करती है कि वो अपनी इबादत को चाहे जिस तरह जो उनका मजहब है उसके मुताबिक वो अंजाम दें और साथ ही ये भी कि उनके जो निकाह के रिश्ते हैं निकाह तलाक के जो आकाम उनके मजहब में हैं उन्हीं के मुताबिक उनके, उनके, उनके फैसले किए जाते रहे चुनाचे बाज इन मजाहिब में ऐसे हैं जो महरम जो हमारे यहाँ महरम है उनसे भी निकाह गुजार समझते खाला पूपी से निकाह गुजार समझते पारसे लोग या ऐसे लोग हैं कि जो किसी खास निकाह के लिए उनके यहाँ जो तरीका है वो हमारे निकाह से मुख्तलिफ है तो उनके और तलाक और विरासत के मामला तो वो जाने उनका काम कर हमारे उसमें कोई दखल नहीं वो करते रहे उसी के मुताबिक आजाद होंगे बल्कि अगर उस काम के लिए गैर मुस्लिम काजी भी रखने पड़े तो गैर मुस्लिम काजी भी रख सकते हैं उनके मामला को तो तय करते लेकिन वो जो पूरे मुल्क का कानून होता है जिसमें जजा भी है वो उसमें तफरीक नहीं की जा सकती कि ये फड़ा मज़हब के लिए है बड़ा मज़हब के लिए नहीं है वो तो सभी के लिए होता है वो तो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो तो जो आम कानून है वो कोई तमीज़ नहीं करता तो इसलिए जो हुक्म है वो ये कि अगर अहले जिम्मा है और वो आपके पास अपना कोई मौकाफ लेकर आते हैं तो बेशक आप ले लें और लेकर फैसला अपने शरीयत के मुताबिक करें निकाह तलाक विरासत में नहीं बल्कि दुनिया के अमूमी कवानी के अंदर सजा जजा के अंदर आप अपना फैसला अपने कुरान करीम के मुताबिक करें इसकी तफसील इन अगली आयत में आएगी